हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं प्रपोजिशंस के बारे में। जी हां, प्रपोजिशन इट्स नॉट प्रीपोजिशन, ये प्रपोजिशन होता है। इसका सही प्रोनंसिएशन प्रपोजिशंस जनरली जो किसी भी चीज की पहले की स्थिति प्रीपोजिशन प्री धन पोजिशन दैट मीन्स, लेकिन साथ में बोले तो प्रपोजिशंस क्या करते हैं, पहले की प्री पोजीशन को बताते हैं, उनको प्रपोजिशन कहा जाता है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा आईएमपी हैं या ज़्यादातर हम जिनको स्पीकिंग में बोलते हैं ज़रूरी है, वो इन एट और ऑन, इन एट और ऑन। इन तीनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों में, स्पीकिंग टाइम में बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इन एट और ऑन का, मैं आपको दो तरीके से यूज़ बताऊँगा, एक प्लेस के हिसाब से और एक टाइम के हिसाब से। सबसे पहले हम आते हैं प्लेस के हिसाब से। इन मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, मैं अंदर पूरे तरीके से आप अंदर हो गए, जैसे मैं रूम के अंदर हूँ, तो टोटल जब अंदर हो जाते हैं तो वहाँ पर इन आता है, आई एम इन दी रूम, आई एम इन दी रूम। इसके बाद इनके बाद एट, एट का मतलब है किसी पॉइंट पर होना, पॉइंट किसी पॉइंट पर होना, हम एट की बात करते हैं। जैसे आई एम एट बस स्टॉप, आई एम एट द कॉर्नर, आई एम एट डोर। तो इसी तरीके से आपने देखा जहां पर हम किसी पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एट का। अब इसके बाद आता है ऑन, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर होना, सरफेस के ऊपर होना, सरफेस पर होना, किसी सरफेस के ऊपर होना, तो वहां पर हम ऑन का यूज करें। जैसे आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूं, आई एम ऑन दी रूफ। घड़ी दीवार पर है, द वॉच ऑन दी वॉल, द वॉच ऑन दी वॉल। तो जहां पर कहीं सरफेस की बात हो रही हो, ऊपर की बात हो रही, तो वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, वहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं। तो इन एट और ऑन, इन तीनों का मतलब समझ। इन मतलब किसी चीज़ के टोटली अंदर, किसी चीज़ के अंदर ही होना, एट मतलब किसी पॉइंट पर होना, ऑन मतलब किसी सरफेस पर ऊपर होना। इसी के साथ ये हमारा प्लेस के रिगार्डिंग हो गया। अब हम आते हैं टाइम के रिगार्डिंग। टाइम के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं, टाइम आपका तीन चार तरह का होता है। सबसे पहले एट, एट का यूज़ हम बिल्कुल प्रीसाइज टाइम के लिए करते हैं। प्रीसाइज टाइम मतलब बिल्कुल निश्चित समय के लिए बात करें, जैसे एट 3 o'clock, एट नाइट, बिल्कुल जहाँ पर हमें क्लियर वो बात पता हो, क्लियर टाइम की बात कर रहे हो, वो एट होता है। एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, ये प्रीसाइज टाइम है, तो यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। एट सनसेट, एट सनराइज, क्योंकि हमें पता है कि सनसेट और सनराइज का भी एक प्रीसाइज टाइम होता है, बिल्कुल फिक्स्ड टाइम होता है, तो हम उस हिसाब से वहां पर एट का यूज कर रहे हैं। तो एट 3 o'clock, एट सनसेट, एट सनराइज, एट द मोमेंट, ये आपका प्रीसाइज टाइम हो गया। अब आते हैं हम इनमें, इनमें यहाँ पर हम थोड़ा लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे होते, मतलब कोई लॉन्ग टाइम की बात कर रहे होते, एक लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं, या फिर आपका यहाँ पर निश्चित समय नहीं होता, वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, कोई सेंचुरी हो, कोई भी लॉन्ग टाइम पीरियड हो, तो इन सभी में हम बात करेंगे इसकी, इनकी। जैसे मेरा जन्म मे में हुआ, तो आई वॉज बॉर्न इन मे, आई वॉज बॉर्न इन मे। तो यहाँ मंथ की बात हो रही तो इनका आ गया, ईयर की बात हो रही तो भी इन आएगा, या फिर आपका लॉन्ग टाइम पीरियड इन समर, इन विंटर, तो इस तरीके की चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं। अब आता है ऑन, ऑन का यूज़ आप बस दो ही चीज़ों में करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, डेट और डे, दिन और दिनांक। जी हाँ, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, जब भी डे आएगा तो ऑन आएगा, डेट आएगी, ऑन 2 सेप्टेम्बर, ऑन 3 सेप्टेम्बर, ऑन 2 जुलाई, जहाँ पर भी डेट और डे, दिन और दिनांक की बात आती है, यहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। तो प्रीसाइज टाइम में एट का, मंथ, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग टाइम पीरियड में इन, और आपका डे और डेट्स में ऑन का यूज़ करते हैं। सो गाइज, इसी के साथ आपका जो प्रपोजिशन इन, एट और ऑन का यूज़ फिनिश होता है। तो होप यू गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।